हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर द लिविंग वॉल चैप्टर के एक एक लाइन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसको हाईलाइटेड करके दिखाया गया है। और ये जो लाइन है, ये जो हाईलाइटेड लाइन आपकी कैसी मदद करेंगी, यदि आपको क्विक रीजन करना है और आपने पहले वो चैप्टर ज़्यादा पढ़ा नहीं है और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो यदि आपको मतलब मोटा मोटा पढ़ना है और मैक्सिमम स्कोर करना है, तो ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये हाईलाइट कर लेनी है आपको। उसके बाद में है, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी कहने का मतलब है कि जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो उसकी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर चलती रहती है। नेक्स्ट है, ग्रोथ देयर फॉर कांट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसके बाद में है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में है, यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन, ए फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म रिजनरेट्स द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में है ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबोलिज्म। उसके बाद में जो मेटाबोलिज्म है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन। और उसके बाद में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। आगे है, कंसिस्टनेस देयर फॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में आता है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक में, कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million। ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। आफ्टर दैट इसके बाद में आता है ये जो यूनिवर्सल रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, जो चारों के चारों रूल हैं ये आपको हाईलाइट कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में आता है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज द एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म, एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वर डिस्क्राइब बाय लिनियस। फिर है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद में, बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टेक्सा, ये प्रोसेस टैक्सोनॉमी कहलाती है, इस टाइप का क्लासिफिकेशन करने को। फिर है, वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिनियस यूड सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। फिर आगे फिर है, ये आपको हाईलाइट कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। यदि क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से तो सबसे ज़्यादा संभावना यही, प्रोबेबिलिटी यही से बनने की होगी। इच रैंक ऑफ टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद में है, यदि आपको आगे भी ऐसी ही हाईलाइटेड टाइप की वीडियो चाहेंगे तो चैनल के ऊपर रेगुलर आती रहेंगी और अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आगे है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा मोर आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है ये टेबल, आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में आता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम की जो डेफिनेशन है वो होता क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड पेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट्स। और ये पिक्चर आपको देख लेनी है, ये एक हर्बेरियम म्यूजियम टाइप की है, हर्बेरियम से रिलेटेड पिक्चर है। और इसके बाद में जो और लाइन्स आपको हाइलाइटेड करनी है वो ये हैं, इनको कर लेना है। और बोटेनिकल गार्डन में हम ये हाइलाइटेड करना हमको। इसके बाद में आता है म्यूजियम, और म्यूजियम में
ये सब हाईलाइटेड करना है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एनिमल स्पीसीमेन फॉर स्टडी रेफरेंस, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। ये सिक्वेंस याद करनी है, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे, फिर पिन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आता है जूलॉजिकल पार्क्स, तो इसमें भी ये हाईलाइट कर लेना आपको, इनको हम कॉमनली जू कहते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं। और ये पिक्चर भी कुछ देख लेनी है। और उसके बाद में आता है की, ये की ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी हर लाइन से कोई क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए मैंने इसको कम्प्लीट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी के अंदर रखा है, पूरे के पूरे को हाईलाइट कर दिया है, और आप भी इसको हाईलाइट कर लेना। इसके बाद में आता है फाइनली जो फ्लोरा है, मैनुअल्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ क्या होते हैं, उन सब की डेफिनेशन है, ये हाईलाइट कर लेना। तो इस पूरी वीडियो में बताया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है, जहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन बनेगा। आगे इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।